सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग मेरे भाई यो। सो गाइस कमेंट करके आप सभी लोग सबसे पहले मुझे अपनी रैंकिंग बता दो यार, और आप सभी लोग रैंक पुशिंग। कैसी चल रही है गाइस ये चीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर से बता देना। सो गाइस देखो यहाँ पर एक बंदा था अपने सामने की तरफ, और इस बंदे के पीछे मैं बहुत देर से पड़ रहा था अपनी गाड़ी लेकर के। और फाइनली ये वाला जो बंदा था ना, ये कंपाउंड पे आकर के रुकता है, और यहाँ पर आकर के ये बंदों को यहाँ पर बहुत ही प्यार से हम फिनिश कर देते हैं। एंड गाइस मैं अपनी रैंकिंग की बात करूँ तो मेरी रैंकिंग अभी टॉप 500 के अंदर आ चुकी है, और कल अपने को कॉन्करर मिल जाएगा। पर लेकिन आप ये वाले जो गेम प्ले देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा पुराना गेम प्ले देख रहे हो, क्योंकि ये गेम प्ले के अंदर ही थे अपने किल्स विल्स। परंतु आपको पता है भाई, गेम के अंदर हैकर्स इतने ज़्यादा भरे हुए हैं, उस वजह से कोई भी गेम अच्छा सही से जाता नहीं है। तो क्या ही बोल सकते हैं, कोई गेम प्ले वेम प्ले ढंग का बनता भी नहीं आजकल, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं होल्ड कर रहा था, और भाई साहब यहाँ पर एक MG3 वाला बंदा आता है, और ये बंदे ने मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज दिया ना भाई, एक सेकंड में ही मैं तो भाई मर ही गया था यहाँ पर ऑलमोस्ट। पर लेकिन वो तो पता नहीं जैसे तैसे करके मेरी एक दो गोली कनेक्ट हो जाती है वो बंदे को UMP की, और मार देते हैं यार ये वाले बंदे को। यार वैसे MG3 बहुत ही खतरनाक गन लग रही है, मैंने अभी देखा फुल मर ही जाता है यार वो तो, बस मैं बच गया कैसे भी करके। पता नहीं यार, फुल किस्मत विस्मत थी अभी मेरी, या फिर उस बंदे का इंटरनेट अच्छा होगा। तो कोई नहीं गाइस, अब उसके बाद देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर आराम से होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी मेरे को सामने की तरफ एक बग्गी स्पॉट होती है, और जो राइट में एक पत्थर था ना, यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट भी जाता जो कि सांप बन के फुल मज़े ले रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये 3 स्टोरी के अंदर जाऊँगा मैं, और सबसे ऊपर जा करके वहाँ से कुछ अच्छा सा एंगल मिलेगा अपने को, तो फिर ये बंदे को मारेंगे। तो फिर मैं इस जगह पर आता हूँ, और यहाँ से देख रहा था कि यार कुछ एंगल वेंगल मिल जाए अपने को। पर यहाँ पर मेरे सामने भाई पेड़ यहाँ पर आ रहा था, तो मैं गोली वोली नहीं मार सकता था। पर लेकिन जब मैं थोड़ा सा एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर अपने को अच्छा खासा एंगल मिल जाता है, और ये जो बंदा था ये बंदे को बहुत प्यार से फिनिश कर देते हैं। और यार मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है यार दूर दूर वाले बंदों को मारने के लिए, तो यार M16 काफ़ी सही गन है। अब गाइस उसके बाद देखो सामने ड्रॉप गिरा था, और ये जो ड्रॉप की तरफ एक बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है, और भाई साहब ये बंदे को तो मैंने यहाँ पर भाई गलत ही मार दिया। मतलब M16 फुल गोल्ड रिवॉर्ड लग रही है यार मेरे को आजकल। फिर गाइस इतने में यहाँ पर एक बग्गी वाला बंदा आता है, और भाई ये जो बग्गी वाला बंदा होता है ना, इस बग्गी के मैंने दोनों पीछे वाले टायर यहाँ पर फोड़ दिए थे, तो ये बंदा सामने पेड़ पर अभी रुक जाता है, और मैं थोड़ा बहुत फायर वायर कर रहा था इसके ऊपर, क्या पता है थोड़ी बहुत अपनी गोलियाँ भी दीवार के मतलब ये पेड़ के आर पार लग जाए, तो यार बंदा हैकर होकर समझेगा। फुल अच्छा सा लगता है यार बंदों को डराने में। मैं तो कभी कभार क्या काम करता हूँ, AKM पे फुल 6x करके जो है ना फालतू में बंदों के ऊपर चलाने लग जाऊँगा, और घर के अंदर रहेंगे तब भी चलाता हूँ। मतलब यार बंदे थोड़े डर भर जाते हैं, अच्छा सा लगता है, फिर पीक वीक भी नहीं करते अपने ऊपर। अब गाइस उसके बाद देखो यहाँ पर होता है क्या, सामने की तरफ एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, और खैर यहाँ पर औकात से कुछ ज़्यादा ही मैंने करने की सोच ली थी, क्या ही बोलूँ, बहुत देर से M16 चल रही थी अच्छी खासी अपनी। पर लेकिन फाइनली यहाँ पर हमने अपनी बेइज्जती करवाई ली, तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सामने की तरफ यहाँ पर बहुत अच्छे खासा स्मोक हो रखा होता है, मेरे को लग रहा था कि ऐसे जब स्मोक हटेगा मेरे को एक बंदा स्पॉट होगा, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर राइट में एक पेटी पड़ी थी, पता नहीं है पेटी आखिर बनी तो बनी कैसे थी, अब यार इतना तो मेरे को पता नहीं है। अब बस यहाँ पर थोड़ी देर बाद जोन स्टार्ट हो गया था, तो मैं भाई सबसे पहले तो यहाँ पर देखता हूँ, मेरे को एक ये दिख रही थी डासिया, मेरे को लग रहा था ऐसे यहाँ पर कोई बंदा हो सकता है, पर कोई दिखता नहीं है। अब यहाँ पर देखो गाइस होता क्या, मैं थोड़ा सा रीलोड करता हूँ सबसे पहले तो, और फिर जोन इन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो जोन मेरे से ज़्यादा दूर तो था नहीं, पर लेकिन भाई जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम रहता है, तो मैं यहाँ पर फुल अभी रिस्क लेकर के जा रहा था, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते भाई कहाँ पर हैकर हो, और गंदा वाला अपने को स्प्रे आएगा और भाई एलवेल लग जाएंगे अपने। तो यहाँ पर देखो राइट में जो बिल्डिंग रहती है ना, आपको पता होगी चर्च के पास में एक बड़ी बिल्डिंग रहती है, ज़्यादातर जो बंदे उसको मेन बिल्डिंग भी कहते हैं, ऐसा ना कि यहाँ पर ज़्यादातर साले हैकर्स होल्ड करते रहते हैं। और भाई यहाँ से जब भी मैं निकलता हूँ ना अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर के, तो भाई बहुत डर लगता है कभी यार ये AKM का स्प्रे मारे और भाई भारी सीन ना हो जाए मेरे साथ। अब गाइस उसके बाद देखो मैं यहाँ पर एक क्लॉक टावर के पास आता हूँ,
क्लोक टावर बोल लो, स्नाइपर टावर बोल लो, जो मर्जी है कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इस बंदे के ऊपर एक नेड करने की सोची, पर इतने में ही ये बंदे को कोई पीछे से AWM वाला बंदा यहाँ पर फिनिश कर देता है। तो खैर ज़्यादा कुछ तो नहीं, अपना काम इस बंदे ने आसान कर दिया था। पर लेकिन पीछे अपार्टमेंट से जो होता ना, एक बंदा मेरे ऊपर यहाँ पर M4 से फायर ले रहा होता है, और ये बंदे मेरे को एक गोली तो कनेक्ट करी ही करी, पर लेकिन ये जो बंदा था ना, मेरे नीचे की तरफ जो एक बग्गी खड़ी थी मेरी वाली, वो बग्गी के टायर भी फोड़ देता है। तो फिर मैंने सोचा था यार ये बंदे से थोड़ा बहुत बदला लूँगा कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब मैं ये बंदे से फाइट ले रहा होता हूँ ना, ग्रोजा वाले बंदे से, तो मैंने इसके पास ओम देखी थी और इसकी पेटी से मुझे ओम मिल भी जाती है। और ये जो सामने वाला बंदा था कंटिन्यू मेरे ऊपर अभी भी फायर कर रहा होता है, और ये बंदा गाइस जैसे ही मेरे को यहाँ पर स्पॉट होता है, ऐसे ही मतलब वैसे ही इस बंदे को यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। और यार ओम से बंदे को मारने के बाद सच में यार अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, अच्छा सा लगता है एक गोली चलाने के बाद और जब बंदा मर जाता है। अब गाइस उसके बाद देखो यहाँ पर 30 सेकंड रह गए थे जोन स्टार्ट होने में, और मैं उस ओम वाले बंदे को ढूंढ रहा था जिसने एक रोजा वाले बंदे को मारा था, पर लेकिन ये बंदा मेरे को कहीं पे दिख नहीं रहा होता है। इतने में जोन स्टार्ट हो जाता है पीछे से, तो गाड़ी लेकर के यहाँ पर जल्दी से जोन इन करते हैं अभी हम। और भाई साहब यहाँ पर क्या ही बोलूँ गाइस, मेरी किस्मत अच्छी थी, मरते मरते बहुत गंदे तरह से मैं बचाऊँ। फिर यहाँ से जोन हट गया था और जोन स्टार्ट भी हो गया था, और सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ था ये वाला जोन, तो यहाँ पर जल्दी से मैं जोन इन कर लेता हूँ। और भाई साहब अब यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली पेटी बनने वाली है, क्योंकि फ्री फायर के चक्कर में ही मैंने MG3 की काफ़ी गोलियाँ ख़त्म कर दी थी यहाँ पर। अब गाइस आपको एक बात तो पता है, MG3 की गोलियाँ कितनी फास्ट निकलती हैं, बहुत भारी वाला फायर रेट है, और मैंने फ्री फायर में काफ़ी कुछ गोलियाँ खर्च कर दी थी, पर लेकिन कोई नहीं गाइस अभी मर जाते हैं। सो गाइस आज की ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताओ, एंड गाइस नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना मेरे भाई। और भाई कल एक बहुत प्यारी वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।